वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एसएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कितनी कटअप जा सकती है, क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी है, कौन से शिफ्ट हार्ड है, कौन से उतने हार्ड नहीं है जो कि इजी में आएंगे, बट उन सभी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा ये है कि किस तरह से स्किल की प्रिपरेशन किया जाए। स्किल की प्रिपरेशन, आपको पता है कि 15 फरवरी को स्किल की प्रिपरेशन का डेट दे रखा है एसएससी वालों ने, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट मतलब कदम माना जाता है, माना जाएगा एसएससी के स्टेनो के दुनिया में, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो रिज़ल्ट के बाद हमको एटलीस्ट 6 महीने लगते थे उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, वो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने से पहले यानी कि आंसर के आने के 2 महीने बाद ही होने वाली है, जो कि हमारे फील्ड के लोगों को, जो कि इस फील्ड के लोगों को के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और सच में वो लोग जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ वो उनके लिए अच्छी बातें हैं। तो मेरे हिसाब से बात करते हैं कि 2.5 महीनों में हम ऐसा क्या करें कि जैसे कि हमारी स्किल 100% कंफर्म हो कि भाई साहब मैं कर ही लूँगा। तो मैं आपको एक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो DOPT में मैंने कहीं से मतलब स्टेनो के ही सर थे, उन्होंने भी बताया था कि DOPT में एक लेटर गया हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो 10 सालों से एक ही मैटर आ रहा है, एक ही बुक से आ रहा है, जिनका नाम है रामधारी गुप्ता खंड 1, और उसमें 80 WPM यानी वर्ड पर मिनट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए शायद ये हो सकता है कि हमें थोड़ा से रामधारी गुप्ता खंडेक से अलग होके कुछ सोचना पड़ेगा। उसके साथ ही इंग्लिश वालों के लिए भी उन्होंने लिखा था कि जो कैलाश चंद्रा की मैगजीन है उससे इतर अलग मैटर दिया जाए, ताकि जो रियल स्टेन वाले हैं उनको मौका मिल सके। तो ये बात सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखनी चाहिए मेरे अनुसार। बाकी 2-3 चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि स्किल में क्या किया जाए। तो स्किल इन सेंस कि मुझे लगता है कि जो लोग स्किल जानते होंगे, जो जिन्होंने अपना फाउंडेशन जिन्होंने अपना क्लियर रखा है, वो अगर अभी स्टार्टिंग के दौर में भी है तो वो 2.5 महीनों में 80 words per minute पहुँच सकते हैं, वो भी तब जब वो 6 से 7 घंटे रिग्रेस मेहनत करेंगे, बहुत ही अच्छे से मेहनत करेंगे तो 2.5 महीनों में पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि सर मेरा 160 आया है, 155 आया है, 150 आया है, अच्छे मार्क्स हैं, वो CGL के स्टूडेंट हैं जो हमारे तरफ स्विच करना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि सर 2.5 महीनों में सीख सकते हैं 100 words per minute। मैं सच बताऊँ तो मुझे खुद सीखने में एटलीस्ट 1.5 साल लग गए, जब मैं क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ, सच में नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे 100 words per minute में किसी भी मैटर को लिख सकता हूँ, आज भी नहीं बोल सकता हूँ 1.5 साल सीखने के बाद। लेकिन वो बोल रहे हैं कि 2.5 महीने में सीख लेंगे, शायद वो सीख जाए, लेकिन मैं क्लियरली सही तौर पे बोलूँ तो वो 2.5 महीने में 100 words per minute इम्पॉसिबल है, और 80 words per minute 95% इम्पॉसिबल है, 5% शायद कोई अब 12 घंटे झोंक दे फिर भी मैं नहीं बोल पाऊंगा कि वो कर लेगा उस चीज़ को। तो उनके लिए पहला ये सवाल था। दूसरा सवाल उनके लिए, जो जानते हैं वो 2.5 महीने में सीख सकते हैं, जिन्होंने फाउंडेशन क्लियर किया वो 80 words में तक पहुंच सकते हैं, 100 words तक भी पहुंच रहे इम्पॉसिबल है, 80 words तक पहुंच सकते हैं, वो भी तब जब वो मैटर रामधारी गुप्ता खंडेक से आया हो तभी वो पहुँच सकते हैं। तीसरी बात कि अब हमें क्या किया जाए, जिनको सब कुछ क्लियर है क्या करना चाहिए, क्या उनको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या ऑनलाइन मैटर लिखना चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे मैं, मुझे क्या है कि मुझे कहीं भी, जैसे कि मैं अभी बॉम्बे में हूँ, तो क्या करता हूँ कि मैं बॉम्बे में हूँ, अपने दोस्त के पास घूमने आया हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया, आप जान के आश्चर्य की तरह, ये देखो, और ये मैं सादा पेज पे भी लिख देता हूँ, मुझे स्टेनो मतलब इतना मैं वो क्या बोलता हूँ इसमें रम चुका हूँ कि मैं कहीं भी लिख देता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे कुछ था नहीं, दोस्त के पास आया हुआ था घूमने के लिए, तब तक आंसर किया ही और मुझे स्टेनो लिखनी पड़ी, तो मैं इधर भी लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे कैसे भी लिखना है, बाकी घर पे 2-4 दिन बाद जाऊँगा तो अच्छे से लिख लूँगा। लेकिन वैसे है कि लिखने वाले लोग कैसे भी लिख लेंगे एटलीस्ट, लेकिन जिनको जैसे मैं घर पे ही लिखता हूँ, वहाँ भी जाऊँगा तो घर पे लिखूँगा। दूसरे लोग वो होते हैं जिन्हें ज़्यादा डर लगता है, इन सेंस कि वो जाके उस टाइम बिना गर कर देते हैं, उनको कोचिंग की ज़रूरत है क्योंकि वो एक माहौल तैयार होता है, बहुत सारे लोग वहाँ बैठते हैं, आपको 110, 120 तक भी लिखने को मिलेगा मैटर, तो उनसे आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा,
तो आपको उन जैसे लोगों को कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है 2.5 महीने, वहाँ पे जाके मैटर लिखे 3-4 घंटे, खूब मैटर लिखे, रामधारी खंडे एक दो, कला चंद्र के मैगजीन से भी इतर न्यूज़पेपर्स भी लिखे, अगर 80 वाले हैं तो 90 तक सोचे कि न्यूज़पेपर अनसीन लिख दें, अगर 100 वाले हैं तो 110 तक सोचे कि लिख दें अनसीन। वैसे लिखना थोड़ा सा हार्ड होता है, मुझे भी लगता है, लेकिन फिर भी उन्हें ट्राई करना चाहिए कि एक सीट पक्की हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि इस बार 2.5 महीने में कटअप जो है कम जाएगी, और मेरे हिसाब से 150 प्लस वालों को तो ग्रेड सी यानी कि ग्रुप बी की पोस्ट 100% मिल जानी चाहिए। उसके अलावा कल मैंने कटअप बताया थी उसके अनुसार आप देख सकते हैं, लेकिन स्किल की बात इतनी है कि आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब मन लगा के कीजिए, और ये अभी बहुत सारे लोगों के चैनल देखने की जरूरत नहीं है, मेरे भी चैनल देख लिए, बस हो गया ख़त्म, अब बार बार किसी और की चैनल जरूरत नहीं है, जो दूसरे भी देखे वो मेरे चैनल को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से स्किल की प्रिपरेशन करें। मैं भी कर रहा हूँ, मैं घूमने आया हुआ था लेकिन मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बॉम्बे में होते हुए भी पटना से आके, और यहाँ पर मैं लिखे जा रहा हूँ और मुझे कोई काम नहीं है, तो मेरा जो ये वैकेशन था मतलब थोड़ा बहुत स्टेनो में ही चला गया, लेकिन मुझे पता है कि जब एक बार ये जॉब मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मेरे मार्क्स 150 है रॉ मार्क्स, तो अच्छे से पोस्ट मिल जाएगी, तो फिर मैं 10 बार बॉम्बे आके जा सकता हूँ, 1 महीने में इतनी सैलरी वो दे देंगे एटलीस्ट, कि हम मैं 10 बार ट्रेन का अफोर्ड कर सकता हूँ, आके चला जा सकता हूँ। तो अभी मेरे लिए प्रायोरिटी है कि मैं अभी स्टेनो सीखूँ और अच्छे से सीखूँ, मतलब अच्छा करूँ, और फिर मैं आपके पास आऊँ, और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में आप पे लिख सकते हैं, मैं आपको आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं अपना नंबर पिन कर दूंगा, कोई भी तरह से किसी भी तरह के से दिक्कत हो स्ट्रैटेजी वीडियो, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है तो मैं उनके लिए भी स्ट्रैटेजी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप प्लीज़ कटअप के चक्कर में ना लगे, मैंने जो कटअप प्रीवियस वीडियो बनाया हूँ उतने से आप ऊपर हो, तो प्लीज़ आप स्टार्ट करें स्किल की तैयारी, बहुत अच्छा जाएगा। मार्क माई वर्ड्स कि 130 प्लस विल बी सफिशियंट फॉर ग्रुप सी पोस्ट, एंड दैट मीन्स ग्रेड डी, इट मीन्स ग्रुप सी पोस्ट, एंड अच्छा रहेगा, आप लोग तैयारी करें, और ग्रुप बी वालों के लिए सही है, ग्रुप बी वालों के लिए 140 प्लस विल बी सफिशियंट, उनको स्किल की तैयारी करनी चाहिए ग्रुप सी के लिए, ग्रुप बी के लिए जो कि ग्रेड सी में आता है। थैंक यू, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा, और छोटे मोटे क्वेरी होंगे तो मैं उसके लिए भी जेन्युइन वीडियो बना के लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में नहीं हैं, जो कुछ अपना खुद नहीं कर पाए हैं, वो भी ज़्यादा ज़्यादा ज्ञानी बने फिर रहे हैं, तो वो सब उससे इतर हमारा काम है कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, जो लोग सच में इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प की जाए, और कोई मोटिव नहीं है हमारा। मैं बैठा था, मैंने सोचा कि लेट्स हेल्प समवन, क्योंकि मैंने भी जब साल भर पहले इस फील्ड में आया था तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प की थी, तो लेट्स अच्छा है हेल्प इच अदर, एंड जो सच में सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, जब तक हूँ तब तक आप भी लगिए, और मैं भी बॉम्बे में वैकेशन इंजॉय कर रहा हूँ स्टेनो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।